हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें, और साथ में मेरा देसी है तो देसी को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आज कहीं नहीं जाना है, आज यहीं पर ही काम कर देना है। ठीक है, ये लीजिए, आ गए। बहुत क्वेश्चन आया, जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, सबके तरफ से वही क्वेश्चन आया। अब तो जो नए लोग जुड़ रहे हैं तो उनका भी पूछना एक जायज़ है कि सर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट बता दो या 15 लाख का इन्वेस्टमेंट बता दो, ठीक है, 20 लाख का बता दो, कोई 50 लाख का बोल रहे हैं, क्लियर है। दूसरा बोल रहे हैं सर कोई लॉन्ग टर्म के लिए हमको बता दो, कोई ETF बता दो जिसमें हम कर सकें। ठीक है, तो मैं अभी बताऊंगा और उस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, तो इसी पे ये वीडियो है और आप लोगों को बिल्कुल इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्लियर बात है। अब इसी के बीच में मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मेरा रिक्वेस्ट है कि जवाब दीजिएगा, है ना। देखिए, बहुत मैसेज आता है और बहुत ज़्यादा मेरा नेचर है कि मैं सबके कमेंट्स को पढ़ता हूँ या पढ़वाता हूँ। तो वाइफ से पढ़वाता हूँ, थोड़ा देर पढ़ती है, फिर बोलती है कि मेरा सब्जी जल रहा है, तो बोले कि चाय चढ़ा के आते हैं, लो हो गया। आधा कमेंट्स गया, आधा वहीं रह जाता है, जो फैक्ट है वही। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र मतलब मैंने सोचा कि क्यों ना किसी को हायर कर लिया जाए, जिससे क्या है कि मेरा काम स्मूथ होगा। क्योंकि देखिए, मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, हर चीज़ ऑपरेट करना मुश्किल होता है इसलिए, क्योंकि देखिए आप लोगों को पता ही है कि अभी मैं खुद भी जॉब में हूँ और समय निकाल के करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े और अपना भविष्य बनाएं। शेयर मार्केट कोई ऐसा ख़राब नहीं है, अपना भविष्य बना के आगे चले। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जिस तरह आपका पोर्टफोलियो है उसको मैनेज करना है, उसको सर कैसे करें ये हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो मैं तो नहीं इसका डाटा रख पाऊंगा, जो बात क्लियर है सर। जिसको जिस व्यक्ति को रखूंगा उसी को बोलूंगा भाई कि आप इस हिसाब से अपना करके रखिए, है ना। तो क्योंकि मतलब हम आपको शुरू में ही बोले थे कि हम फेयर वेल उतना ही करेंगे कि जब तक अपना, सॉरी, हम वेलफेयर उतना ही करेंगे जब तक अपना फेयर वेल ना हो जाए। समझ गए, तो वेलफेयर हम एक लिमिट तक कर सकते हैं, कि पता चला वेलफेयर के चक्कर में हमारे फेयर वेल हो गया तो फिर कौन फायदा जी, है तो वही बात है। तो ये बात को मैं बहुत स्पष्ट और सही तरीका से बता रहा हूँ, तो आप समझ गए कि आपका मेल आना और पूरा रिप्लाई आपको जाना, प्लस आपका पोर्टफोलियो को मैनेज करना, आपका पोर्टफोलियो के बारे में बता देना। मेरे को ना थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कि इसके लिए क्या हम आप लोगों से फीस लिया जाए, ठीक है। लेकिन आपको जिसको रखेंगे पैसा तो देना है, तो अपने घर से तो मैं दूंगा नहीं, सिंपल सी बात है भाई, है ना। तो वो तो मैं आप ही लोग से, जो इस चीज़ को अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो मैं उनसे लूँगा। क्या लूँगा वो आप बताओ, मुझे नहीं पता कि कितना रुपया में ये चीज़ को हैंडल हम कर सकते हैं, या मतलब कितना फीस लेना चाहिए एक बार आपके पोर्टफोलियो को व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है ना। जिस तरह अगर शरीर में कुछ विकार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कंसर्न फीस लगता है, या फिर कोई वकील के पास जाते हैं तो वहाँ लगता है, हर जगह CA के पास जाते हैं तो वहाँ लगता है। तो वैसा अपना कोई ज़रूरी सिस्टम नहीं है, हम आपका पोर्टफोलियो का चेक करके बताने का और उसको व्यवस्थित करने का पूरा सही बता देंगे, उसके बाद आपको आवश्यकता ना के बराबर पड़ेगी। तो इस सेंस में मेरे को क्या फीस लेना चाहिए ये आप लोग प्लीज़ कॉमेंट्स करिएगा। देखिए, हम आज तक पूछे नहीं है ना। अब जो नए लोग होंगे उनको लगता होगा कि सर आप तो पैसा, भाई जो है हम वही बात कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग को घुमा फिरा के बोलने की आदत नहीं है, जो है स्पष्ट कह देना, ठीक है। और बाकी आप लोग इतना तो जान ही गए कि जब कुछ नहीं है, आप लोग से कोई स्वार्थ नहीं है, उसके बावजूद भी आप लोगों को इतना बेहतरीन बेहतरीन सब कुछ बता देते हैं, और अभी भी बताएंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताएंगे, और लाइफ टाइम बताएंगे। हाँ, पर्सनली किसी को अपना पोर्टफोलियो को करवाना है तो उसके लिए भाई हम आदमी रखेंगे तो पैसा तो लगेगा, ठीक है। माइक को ना, अब क्या लगेगा पैसा ये मुझे आइडिया नहीं है, तो प्लीज़ मैं आप लोग से यही चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मतलब कितना रखा जाए, और जो होगा वही मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के कमेंट्स में आ जाएगा, और वही चीज़ मैं बोलूँगा कि नहीं भाई इतने आदमी ने इतना का बोला है तो यही चीज़ मान्य होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं कहाँ, 10 लाख वाली बात पे। तो 10 लाख वाली, अब इतना सिंपल तरीका बताएंगे ना आप लोगों को कि आप भी मिजाज खुश हो जाएगा, हैं क्या हो जाएगा, मिजाज खुश हो जाएगा। तो आप बोलिएगा कैसे, देखिए अब हमको तो उतना नहीं पता है जितना आदमी लोग आप लोगों को बता देते हैं, हम लोग तो साधारण आदमी है सर, तो साधारण आदमी साधारण तरीका से बताएगा। अभी 10 लाख रख लीजिए, 15 लाख रख लीजिए, 20 लाख रख लीजिए, आप 50 रख लीजिए, जो रखना रख लीजिए, अरे इधर 5 रख लीजिए, लेकिन 10 का हम रख रहे हैं, कहा है तो भाई ने रिक्वेस्ट किया तो मैं बोला चलो बना देते हैं, हमें क्या है, तो 10 लाख का ही बना दिए। अब इसको 5 लाख का भी सेम है, और इतना सिंपल रहेगा ना कि देखिए क्या बोलेगा, अरे सर क्या बवाल है, मज़ा आ गया। आपको खुद मज़ा आ जाएगा। तो ये देखिए, ए पार दिए लाइन, कुछ ही पार दिए, तो आप बोलिएगा लाइन हो गया, पार दिए। तो अब क्या है कि आपका 10 लाख है, ठीक है, मेरी बातों को स्पष्ट से समझिएगा। 10 लाख में आप 25 से 30%, ठीक, ये हो गया 50 से 60%, ठीक, और ये हो गया
20% हो गया ना जी, 30, 50, 20, 80 हो गया, 100 हो गया, हो गया खाना बट गया, 10 लाख का बट गया, इधर 30 में 3 लाख हो गया, इधर 5 लाख हो गया, इधर 2 लाख हो गया। क्लियर है, कोई डाउट? तो आप बोलेगा ना सर कोनो डाउट नहीं, अब इसमें कुछ चीज़ का डाउट होगा है? आप ही बताइए इसमें कोई डाउट हो सकता है? तो अब इसमें भी जिसको डाउट है तब तो भाई आपको स्पेशल क्लास लेना पड़ेगा, है ना। तो कोई बात नहीं, मजाक कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप समझ गए। तो अब इसमें करना क्या है, तो जो 30% वाला हम रखे हैं, 25 से 30%, ये हो गया आपको कमोडिटी का। कमोडिटी मतलब आप सिंपल समझिए, गोल्ड ऑब्लिक सिल्वर का खाना हो गया, ठीक है, किसका हो गया, गोल्ड ऑब्लिक सिल्वर का। और इस साइड हो गया ये पूरा इक्विटी का, क्लियर है, हो गया ना। 50% इक्विटी में, 50 से 60 करिए, और इधर गोल्ड में जब थोड़ा सा हाई रहे, जब पैसा नहीं लगे तो इक्विटी तरफ शिफ्ट होता है आदमी, तो उस हिसाब से 20-30 के बीच में ये चलते रहता है, 25-30 के बीच में चलते रहता है, ठीक है। तो गोल्ड में हो गया ये, मैं मोटा मोटी बता दे रहा हूँ। अब 3 लाख है, 3 लाख में डिवाइड कर दीजिए, तो गोल्ड के लिए कितना आया 1.5, और सिल्वर के लिए कितना आया 1.5, कोई प्रॉब्लम? आप बोलेगा ना इसमें कौन सी प्रॉब्लम, क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है कि 1.5 लाख का कट कर दीजिए, क्या चीज़ कट कर दीजिए, लॉट साइज में बना दीजिए, तो आपको 35 से 40 हज़ार के बीच में आपका लॉट साइज आ जाएगा, मतलब 35-40 हज़ार एक बार में, 4 × 4 कितना होता है, 16 होता है ना सर, तो 15, मतलब 35 से आप 40 के बीच में अपना रेंज बना लीजिए, ना हम 40 रखेंगे ना हम 35 रखेंगे, इस तरह का आप अपना यहाँ लॉट साइज हो गया आपका 35K का लॉट साइज हो गया, क्लियर हो गया, सेम एज इट इज यहाँ हो गया ना जी। तो आपका लॉट साइज कैसे बनता पता चल गया, तो आप बोलेगा हाँ सर पता चल गया। अब क्या है कि आपका मान लीजिए दोनों में 35 के 35 के लगा हुआ, 70K ही लगा हुआ है ना, तो बाकी 2,30,000 रुपये कहाँ रखिएगा बोलिए, उस पर तो रिटर्न नहीं मिलेगा। आपका क्वेश्चन आने वाला है तो क्वेश्चन का जवाब हम पहले ही दे देते हैं, उसके लिए हम बॉन्ड में रख देंगे, कितना रखेंगे, 1.5 लाख रुपये रखिएगा, समझे ना, क्योंकि 1.5 लॉट का बॉन्ड में डाल दीजिएगा और लिक्विड बीज में डालिएगा, क्लियर है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बॉन्ड, बॉन्ड में रखिएगा, इसमें 8% आपको स्माइल करके दे देगा, समझ गए, 8% स्माइल करके ये आपको दे देगा पूरे रिटर्न पे, सॉरी जो पैसा है मान लीजिए 1.5 लाख 2 लाख जो भी है उस पर आपको दे देगा, बाकी आपका मार्केट में गोल्ड वोल्ड चलता रहेगा, गोल्ड इक्विटी के विपरीत चलता है तकरीबन देखा गया है। तो अगर कभी भी अकस्मात कोई इस तरह बुरी खबर आती है, इक्विटी क्रैश होता है, तो गोल्ड वहां आपको पैसा बना के दे देगा और पोर्टफोलियो को बचा लेगा, क्लियर हो गया। तो आप बोलेगा हाँ सर। अब इक्विटी में आया, इक्विटी में भी एज इट इज है, 5 लाख रुपये इक्विटी में डालिए, ठीक है। अब इक्विटी में आप कितना इक्विटी को कवर करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, लॉन्ग टर्म में बैठना है निफ्टी 20, या मैं लिख देता हूँ निफ्टी 20, देखिएगा राइटिंग मुंह से बोल रहा हूँ वो भी समझ जाइएगा, बैंक 20, ठीक है, दो हो गया निफ्टी और बैंक, बहुत मजबूत है। और एक बार ब्रॉडर ही ले लेते हैं, उसके बाद मिड कैप के लिए आप एक पकड़ लीजिए, एक स्मॉल कैप पकड़ लीजिए, ठीक है, लेकिन इसमें जो बड़ा ये रखना है, इसको रखना है, ये दोनों छोटा में रखना है, क्लियर है। उसके बाद आ जाइए फिर इसको ना, हम इसको हम इक्विटी का हम बाद में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ा होगा लिस्ट वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो इक्विटी में 50%, 5 लाख रुपये डालना है, मान लीजिए एट ए टाइम आपको इक्विटी में वन लॉट साइज अपना बना लीजिए उसी तरह जिस तरह इसमें बनाए, तो आपने डाला तो 1 लाख रुपये डाल रखें, या 1.5 लाख, 2 लाख रुपये डाल रखें, 3 लाख जो बचा रुपया यहाँ ये बॉन्ड में डाल दीजिए, चाहे लिक्विड बीज में डाल के रखिए, बॉन्ड में डालिएगा 8% देगा, लिक्विड बीज में डालिएगा तो 4% के आसपास देगा, है ना, वो भी सालाना है क्वार्टरली है तो वो चक्कर पड़ता है। अब आया भाई कि सर इधर आप क्या रखवाए हैं 20%, है ना, 20% कौन सी रखवाए हैं, आपको मन में तो होगा उत्सुकता कि सर सब तो ठीक है, उधर तो आप समझा दिए, इधर का 20%, तो ई 20% है, देखिए US मार्केट, और हम इंडिया में कहा है, हम US में भी करेंगे निवेश, कई बार हुआ है कि गोल्ड भी नहीं दिया रिटर्न और इक्विटी अपनाया, इंडियन बाजार भी रिटर्न नहीं दिया, तो हम लोग US मार्केट से रिटर्न बनाए हैं, खासकर जनवरी से लेकर मार्च तक, क्लियर है, वहाँ से हम लोग रिटर्न बनाए हैं, मून हंड्रेड मफांग, ठीक है, मफांग पे, मस्ट टॉप पे वीडियो बना रखे हैं, आप जाके एक बार देख लीजिएगा, मस्ट टॉप 50 पे, तो इस पे पैसा लगाना है, क्लियर है। एक एक लॉट का अपना साइज बना लीजिए, जो भी आपका 2 लाख का है उसी हिसाब से अपना साइज बनाइए और उसमें निवेश करके बाकी पैसा बॉन्ड में रख देना है, हो गया काम खत्म। अभी 10 लाख का हो या 50 लाख का हो, 5 लाख का हो या 1 लाख का हो, सबसे कम वाले को भी मिल गया, सबसे ज़्यादा वाले को भी मिल गया। आपका बड़ा पैसा जो मार्केट में लगा हुआ है, अगर मार्केट आपके सपोर्टिव रहा इक्विटी में, तो आपका पैसा अच्छा बन जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए इक्विटी में सपोर्टिव नहीं रहा, तो गोल्ड है ना, गिरावट हो गया तो गोल्ड है ना, गोल्ड सिल्वर दे देगा, और लॉन्ग टर्म में दोनों दे देगा। अब मान लीजिए दोनों चुप्पे हो गया, तो US मार्केट है ना, वहाँ से ले लेंगे, और जब कोई नहीं दिया तो बॉन्ड में तो पैसा बनिए ना रहा जी, और बताइए क्या चाहिए, बम बम है चारों साइड से समझ गए। ये है लॉस का खाना कहाँ है, मेरे को तो आज तक मिला नहीं, किसी भाई को अगर मिल गया हो इंडेक्स में लॉस का कहीं खाना है तो ज़रूर बताइएगा, आदमी और इंडेक्स ऊपर ही जाता है, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। हो सकता है कुछ समय थोड़ा वेट करना पड़े, पेशेंस रखना पड़े, लेकिन जाना तो ऊपर ही है,
रास्ता तो ऊपर है ना, रास्ता तो ऊपर है, तो वही चीज़ है, आदमी धुआं चाहे इंडेक्स जाएगा तो ऊपर। बहुत सुंदर, तो इसीलिए अपना निवेश बराबर रखिए, विश्वास रखिए और ETF में आप फर्स्ट क्लास आगे बढ़िए। अब जो भाई बोल रहे हैं सर लॉन्ग टर्म करना है, लॉन्ग टर्म करना, अरे लॉन्ग टर्म देखो बहाना होता है समझे, जब तक नहीं पता है तभी तक लॉन्ग टर्म, उसके बाद तो आप लोग बोलेगा सर शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म बताइए। ठीक है, लॉन्ग टर्म को बहाना है, फिर भी आप लोगों का मन का इच्छा का पूर्ति करते हुए करिए आप निफ्टी पे, निफ्टी 20 पे करिए आप, कोई मना नहीं किया है, जितना लॉन्ग टर्म करना है। ठीक है, म्यूचुअल फंड ये सब सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा, बैंक 20 पे करिए, बहुत बढ़िया रिटर्न है, शानदार रिटर्न है, दुनिया भर का वीडियो पड़ा है, अरे 2000 से ज़्यादा वीडियो पड़ा है, देखिए बैंक 20 का प्लेलिस्ट विजिट करिए, दुनिया भर का वीडियो है, एक दो नहीं है। ठीक है, तो कहीं समस्या नहीं है, 10-12 बैंक का बैंक 20 बना हुआ है। तीसरा में जाइए तो यहाँ आप इसको ITB से कवर कर लीजिए, सेक्टोरियल। चौथे में जाइएगा, अब हम भी तो बोलते बोलते हमको कौन सा हम लिख के थोड़ी रखे हैं, ये सब तो हमको याद रहता है, इसीलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। तो निफ्टी हो गया, बैंक हो गया, IT हो गया। ठीक है, मेन क्या है कि ये ब्रॉडर और सेक्टोरियल, तो ब्रॉडर में जब जाइएगा ना तो इसमें आप मिड और स्मॉल में भी पैसा हल्का लगाना ही लगाना है, क्योंकि यहाँ बड़ा बढ़िया पैसा बनता है। ठीक है, लगाना ही लगाना है। बैंक बैंक साइड में जाइएगा तो बैंक भी तो मेन है, उसके बाद इसमें PSU बैंक, ठीक है, और BFSI, इसको भी इसमें कवर करना है। ठीक है, BFSI ये भी इसके अंदर में आ जाएगा कवर। IT में आइएगा तो IT के साथ टाइडेंट को भी कवर कर लीजिएगा, है ना, ये ETF है। ठीक है ना, तो क्योंकि हर ETF में आपको पैसा हल्का हल्का सब जगह मतलब निवेशित रहना ही पड़ेगा, ये मत सोचिए कि हम एगो में कर लिए तो काम खत्म, ये गलत बात है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और लॉन्ग टर्म में जाना है तो फिर आप इसमें 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 मतलब ETF में आप किसी में भी लॉन्ग टर्म में जाइए, आपका पैसा बन जाएगा। फिलहाल मैं इस बार इस महीना के लिए तो मैं जूनियर 20 को रखा हूँ, है ना, तो इस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें हम फार्मा, ऑटो सब सेक्टर कवर करते हैं। ठीक है, फार्मा फिर ऑटो भी कवर करते हैं, है ना, तो इस प्रकार कई सेक्टर है। तो आप क्या करिए, ज़्यादा मत समझिए, निफ्टी 20 में चले जाइए, काम खत्म। बैंक 20 में चले जाइए, काम खत्म, दो हो गया। IT में ले लीजिए, तीन हो गया, और एक मन करता है तो फार्मा को भी थोड़ा रख लीजिए, चार हो गया। मिड कैप स्मॉल कैप को रखना है तो उसको भी रख लीजिए, 4-2-6 हो गया। PSU बैंक और BFSI रख लीजिएगा तो 6-2-8 हो जाएगा। और IT को जब रखिएगा तो उसमें आप ये टाइडेंट और ऑटो को भी मतलब यही मिला के आपको 10 हो जाएगा, ये सफिशियंट है, समझे ना, अभी के हिसाब से सफिशियंट है। और जब बीच में कुछ चेंजिंग होगा तो हम आपको जरूर इसमें अपडेट करते रहेंगे। और 6 नंबर में CPSE है। अब CPSE को भी हम दो टाइप में करते हैं, हम क्या करें, किसको हम मना करें। आप बोलते हो कि मेरे को सर 5 बता दो ETF, और हम कैसे बता दें, हमको तो यही समझ में ना, कौन खराब है वो आप मेरे को बता दीजिए तो हम उसको छोड़ देते हैं, सब तो मेरे दिल के करीब है, सब तो अच्छा है, सब ने तो पैसा बना के दिया है। तो इसीलिए मैं ये 1, 2, 4, 5 बोलने में ना मेरे को खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार हर ETF पैसा बना के दे रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई ETF खराब है या पैसा डुबाया हुआ है, हर ETF पैसा बना के दे रहा है। फिर भी आप लोगों को लॉन्ग टर्म करना है तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी में कर लीजिए, दो ही है, कुछ नहीं समझ में आता है तो निफ्टी बैंक निफ्टी में कर लीजिए, और उसके बाद आप गोल्ड सिल्वर मून 100 मपांग ये 6 में कर लीजिए। अब इससे ज़्यादा हम कम नहीं कर सकते, मेरे पास कम करने का और कुछ नहीं उपाय है। हम मतलब मेरा मतलब बोलते नहीं है आदमी मतलब थक हार के नहीं बोलता है कि इससे कम अब पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग का भी निवेश है 25 ETF में, 20 ETF में, सब में निवेश कर रखे हैं अपने हिसाब से, जब तक पैसा नहीं बनता लॉन्ग टर्म में बैठे हुए हैं। अच्छा पैसा बन गया तो ठीक है, प्रॉफिट घर में आ गया, बात खत्म, अगला दिन फिर खरीद के हम लॉन्ग टर्म में बैठ गए। स्विंग करिए, अच्छा पैसा बनता है, डरिएगा मत, समझे ना, स्विंग में काहे तो दूसरे को पैसा दे के ना आदमी को अच्छा नींद आता है, दूसरे को हाथ में अपना भविष्य दे के आदमी निश्चिंत होकर सूता है, और अपना भविष्य खुद संवारने की बात आए तो हमारे पास समय नहीं है सर, ये सब एक्सक्यूज मत दीजिए, समय होता नहीं, आपके लिए भी 24 घंटा है, मेरे लिए भी 24 घंटा है, और अंबानी साहब के लिए भी 24 घंटा है, समझ गए, तो सोच थोड़ा बदलिए। और ठीक है, जिसको लॉन्ग टर्म करना अपना करिए, हमने बता दिया कि निफ्टी बैंक निफ्टी मून 100 मफांग और गोल्ड भी सिल्वर भी, आप इसमें 6 में चल जाइए, काम खत्म है। इससे ज़्यादा अगर आप मेरे से प्रेशराइज करिएगा तो मैं मना कर दूंगा, भाई अब इससे ज़्यादा ना हो सकता मेरे से, इससे ज़्यादा कम हम कर ही नहीं सकते, मेरे लिए तो सब भाई सब अच्छा है। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो बस ठीक है, पसंद आया तो इन्जॉय करिए और अपना लाइफ बनाइए, पैसा बनाइए, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरे बोलने में कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया होगा तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।